बच्चे आज हम लोग डे फोर में चैप्टर टू देख रहे हैं जिसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, जिसमें हमारे पास आता है जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस डैश सेक्सुअली, है ना। इसका क्या आएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होती है। ह्यूमन्स आर ओविपेरस विविपेरस या ओवी विविपेरस, ह्यूमन्स आर विविपेरस। फिर क्या आएगा, बोल रहा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज़ डैश इन ह्यूमन इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स है ना बच्चे, हैप्लॉयड इन नेचर, ठीक। जाइगोट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर। द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ ओम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज़ इंड्यूस्ड बाई द हार्मोन इज़ कॉल्ड किससे, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लोपिन ट्यूब, है ना, फ्लोपिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगी। द जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोमिया, ब्लास्टोसिस्ट विच इज़ इम्प्लांट इन यूट्रस। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, प्लेसेंटा है। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ से भी बन सकते हैं आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ये, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा नीट के लिए, जैसे ये वाला पार्ट जो है ना आपको लेबल करने के लिए दिया जा सकता है, ये पार्ट क्या है, ठीक है, इसको लेबल करने के लिए दे देंगे। अच्छा, इस पार्ट को याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, तो आपको ये लेबल करने के लिए देंगे। यूरेटर है जैसे, यूरिनरी ब्लेडर है, इसको लेबल करने के लिए देंगे। प्रोस्टेट, वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड, स्पर्म डक्ट, टेस्टिस, पेनिस, ठीक है। तो डायग्राम दे जाती है और उसको आपने लेबल करना होता है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस पार्ट को हम लोग फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है यूट्राइन फंडस, और ये जो वी शेप पार्ट है इसको हम लोग यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ ओवरी, फीमरे, मायोमेट्रियम, सर्विक्स एंड सर्विकल कैनाल, ठीक है, ये विजाइना ओपनिंग, ठीक, ये आ गया यूट्रस हमारा। तो ये पूछे जाते हैं लेबलिंग के लिए, क्वेश्चन आएंगे आपको नीट में। वुल राइट टू मेजर फंक्शन ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो कैसे आप इसका करेंगे, देखो फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना। मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्मेटोजो बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस से क्या बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है। दूसरा, लाइडिक सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन जो है उसको प्रोड्यूस करेगा लाइडिक सेल्स, जो कि टेस्टिस से ही फॉर्म होता है, और सेकेंडरी करेक्टर्स इन मेल, ठीक है। तो ये लाइडिक सेल्स के काम है जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दोनों ही फंक्शन क्या है, टेस्टिस के ही है। नेक्स्ट आपके पास आता है ओवरी, फंक्शन ऑफ ओवरी। द प्रोड्यूस मेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा, ओवा की फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेंसिस। द ग्रोइंग ग्रेफिन फॉलिकल सिक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। द एस्ट्रोजन एट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टर इन फीमेल, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसमें देखना आपने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, ये ट्रांसफर सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। इसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं जो स्पर्म सेल्स को नरिश करते हैं, ठीक है, ये जर्म सेल्स हैं जिनको नरिश करेंगे। पॉलीगनल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, लाइडिक सेल्स जस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दी सेल्स सीक्रेट मेल हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसमें देखना है कि ये वाली जो खाली है ये स्पर्मेटोजुआ है, ठीक है, ये जो सेल हैं ये सर्टोली सेल्स हैं जिनको हम नर्व सेल बोलते हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप लोग कैसे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इमैच्योर जर्म सेल्स इन मेल, इट टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन साइड द टेस्टिस। कहाँ से, फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही फॉर्मेशन होती है, किसकी,
सेमिनिफेरस ट्यूबुल से ही फॉर्मेशन होती है स्पर्म की, ठीक है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम मेल जर्म सेल्स इंक्रीज इन इट्स साइज टू डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दिस डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ऐसे जैसे आपने याद रखना है, देखो कैसे ये डायग्राम है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, एक ये फेज़ आता है, एक हमारे पास ये वाला फेज़ आता है, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला फेज़ आता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चे, जैसे सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियम है ना, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने मियोसिस वन में, और मियोसिस टू के बाद आपका बन गया स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड मैच्योर स्पर्म बन जाता आगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, नर सेल्स के नर्चर करके नर सेल्स इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, और ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर स्पर्म सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको प्रॉपर रीड करें, ठीक। नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है नीट का, यहाँ से क्वेश्चन आपका नीट का बन सकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, FSH एंड LH सिक्रेट GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट एज सर्टोली सेल्स, वेयर एज LH एक्ट एज लिडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन क्या एक्ट करता है, ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर कहता है, एक पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट क्या बोल रहा है, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, वो हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन, इट इज़ द प्रोसेस व्हेन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन जैसे नाइन्थ क्वेश्चन, टेन है, कितने क्वेश्चन इसके, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, ये फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। 21, अभी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसे हमारे पास आता स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दे रखा होता है, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने लेबल करना होता है, ठीक है। तो फिर ये आ जाती है इसकी टेल, ये टेल आ जाती है, ये सेंट्रल पार्ट आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हेड में न्यूक्लियस आ जाता है, तो ये कैप्स होती है क्रोसोमल, गॉल्गी बॉडी से डिराइव होती है, ठीक है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है बच्चे, ठीक है, हेल्पिंग सेल डिवीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस, हेड और टेल, ठीक है, तीन पार्ट में स्पर्म को डिवाइड किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा है, जैसे टेंथ क्वेश्चन में क्या बोलेगा, टेंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो मेल से ही प्रोड्यूस होता है सेमन, कंपोज्ड ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन आर म्यूकस स्पर्मेटोजोआ, वेरियस सिक्रीशन ऑफ सेसरी ग्लैंड, दिस सेमिनल वेसिकल रिच इन फ्रक्टोज। ये याद रखना, क्या क्या होता है सेमन में, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टन एंजाइम्स, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द प्रोडक्शन टू स्पर्म एंड प्रोटेक्शन टू द स्पर्म। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एस्कॉर्बिक एसिड एंड सर्टन एंजाइम, ये क्या करते हैं, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म। यहाँ तक आप लोग सभी बच्चे इनके क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।